हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल एट क्रैक ग्रेड बी। रिसेंटली द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट हैज बीन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इट इज द फिफ्थ एडिशन ऑफ द एनुअल क्लीनलीनेस अर्बन सर्वे कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोट हियर दैट किसी भी कंट्री के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला क्लीनलीनेस के लिए सबसे बड़ा सर्वे है ये। तो देखिए, सबसे पहले इसके ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। ओरिजिन के बारे में जानने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। यहाँ पे इंदौर हैज बीन एडजज एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया फॉर द फोर्थ टाइम इन अ रो इन दिस स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे। एंड बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट स्वच्छ सर्वेक्षण यानी कि क्लीनलीनेस सर्वे इज एन एनुअल सर्वे ऑफ क्लीनलीनेस hygiene and sanitation in cities and town across India. It was launched as a part of the Swachh Bharat Abhiyan. अब देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जानने के लिए क्या है आपके पास कि बिफोर अक्टूबर 2040 प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले के टाइम में जब ये निर्मल भारत अभियान के नाम से हुआ करता था, उसको गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग सैनिटाइजेशन प्रोग्राम जो 2012 में लॉन्च हुआ था उसको कन्वर्ट किया था स्वच्छ भारत मिशन में। और स्वच्छ भारत मिशन का एम क्या था, आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में उस टाइम भी लोग ओपन में डिफेक्ट करते थे। तो सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहला काम था कि इसको इरेडिकेट करना, किसको, ओपन डिफेक्शन को 100% रिमूव करना था, इरेज करना था बाय 2019। और ये कैसे करते, टॉयलेट बना के। तो मैं आपको ये स्वच्छ भारत मिशन के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका ओरिजिन जो है, स्वच्छ सर्वेक्षण का ओरिजिन है वो इसी से जुड़ा हुआ है। टू अचीव दिस स्टेट गोल इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 5 years, देखिए 5 साल के अंदर इतने बड़े काम को करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पॉइंट यहां पर आपके लिए नोट करने वाला ये है कि ये जो एक्सटेंसिव सैनिटेशन सर्वे है, ये कमीशन कौन करता है, इसको कमीशन करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो ये मैं आपको बार बार ये मिनिस्ट्री रिपीट हो रही है तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही बड़ा कैच है यहाँ पे, वो कैच ये है कि ये जो सर्वे है इसको कमीशन करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, बट इसको कंडक्ट कौन करता है, इसको कंडक्ट करता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। मेन पॉइंट यहां पर जो है नोट करने वाला है, द सर्वे वॉज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिंग लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन। देखिए, इस तरह के अवार्ड विनिंग, अगर आप अवार्ड देंगे, लोगों को प्रमोट करेंगे, रैंकिंग देंगे सिटीज में, तो उनके बीच में कंपटीशन की भावना जागेगी। और अगर कंपटीशन की भावना जागेगी तो वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंदौर ने फोर्थ टाइम जो है इंदौर में रैंक 1 हासिल की है। तो ये किसका असर है, ये आपने सिटीज के अंदर कंपटीशन की भावना पैदा की, हर सिटीज ने अपने आप को अच्छा शो करने के लिए मेहनत की, प्रयास किया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है इन्हीं सारी सिटीज को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स पर जज करता है और उनको जज करने के बाद उनकी रैंकिंग देता है। नाउ सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि सर्वे मेथोडोलॉजी कि इसमें किस तरह से सर्वे करती है गवर्नमेंट। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसका इवेल्यूशन पीरियड ये 3 क्वार्टर में होता है, क्वार्टर 1 यानी कि अप्रैल से जून, क्वार्टर 2 जुलाई से सितंबर, और क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर। इस क्वार्टर का पर्पस क्या है, मैं आपको आने वाली लाइन में बताऊंगा। सबसे पहले कि इसमें क्या करती है, जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है वो एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रोग्रेस को क्लेम करती है थ्रू दिस मंथली MIS सिस्टम। सिंपल है, इसमें आप डेटा देते हैं मंथली वाइज, तो जो असेसमेंट एजेंसी है वो उसको असेस करती है, उसके हिसाब से आपको मार्क्स देती है। सिंपल। नाउ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, देखिए इसमें नो डॉक्यूमेंट और जो है वो अपलोड किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, शेयर किया जाता है अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा। लेकिन क्वार्टर के एंड पर, यानी कि जैसे कि दिसंबर में, जैसे आपका अप्रैल में स्टार्ट हुआ और दिसंबर 2019 में, इसमें जो है वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाए हैं तो वो डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको मंथली देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब दिसंबर में क्वार्टर के एंड हो रहे हैं, 1, 2, 3 क्वार्टर का एंड हो रहा है, तो वहां पर आपको जाके डॉक्यूमेंट जमा करना है, अर्बन लोकल बॉडीज को डॉक्यूमेंट जमा करना है। नाउ वेटेज, अभी ये जो
मैंने आपको क्वार्टर की बात की, क्वार्टर वाइज बात की, तो उसमें 25% वेटेज जो है वो एसएस लीक यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण लीक 2020 है। तो ये जो पूरा काम किया है इन्होंने, अर्बन लोकल बॉडीज ने अपने डेटा दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया, तो उसके जो वेटेज है वो है 25%। अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये किस फील्ड में कौन कौन सी वेटेज दी गई है, आने वाली स्लाइड में आएगा अभी। नाउ ऑन फील्ड वैलिडेशन, सबसे पहली चीज, अगर आप कोई भी असेसमेंट कर रहे हैं तो आप केवल डेटा के बेस पर या फिर फोटो के बेस पर या फिर लोगों के फीडबैक के बेस पर आप उसको असेस नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी जो खासियत है इसकी, इसमें फील्ड वैलिडेशन भी होता है। और वो फील्ड वैलिडेशन कैसे होता है, द परफॉर्मेंस क्लेम अगेंस्ट द 12 इंडिकेटर। गवर्नमेंट ने कुछ 12 इंडिकेटर बना रखे हैं, उनके बेसिस पर वो फील्ड में जाके असेस करते हैं और मार्क्स को प्रोवाइड करते हैं उस एजेंसी को, उस अर्बन लोकल बॉडीज को, उस सिटी को। सेकेंड वन, अब बात करते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो कि जनवरी में कंडक्ट हुआ था, जिसकी रिपोर्ट हमें अभी मिली है, उसमें उन्होंने किन किन चीज पर फोकस किया है। देखिए, सिटीज विल हैव टू आल्सो परफॉर्म अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेशन कवरिंग गार्बेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग अलोंग विद द ODF, ODF प्लस, वाटर प्लस एंड सिटीजन फीडबैक। अभी मैंने आपको बताया क्वार्टर वाइज उनका असेसमेंट लेते हैं, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, जिसके 25% वेटेज है। उसके बाद ये तीन चीजें और स्वच्छ सर्वेक्षण में ऐड की जाती हैं, जिसका फिगर मैं दिखाऊंगा, जिस फिगर को आप थोड़ा पॉज करके 2 मिनट देख लेना, तो उससे आपको याद हो जाएगा कि इस सर्वे की मेथोडोलॉजी में किस किस चीज को कितनी कितनी वेटेज दी जाती है। नाउ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 इज इवेल्युएटेड फॉर ईच क्वार्टर ऑन द बेसिस ऑफ द मंथली अपडेशन, ये मैं आपको बता चुका हूं अभी। ऑनलाइन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एक डेटाबेस टाइप का सिस्टम है, इसमें आपको डेटा डालना है, वहां से असेस करके आपको बता सकता है। दूसरा, सिटीज अलॉन्ग विद द सिटीजन वैलिडेशन ऑन 12 सर्विस लेवल प्रोग्रेस इंडिकेटर, जो मैंने आपको यहाँ पे भी एक बात बताई, अगर फील्ड वैलिडेशन करना है तो 12 इंडिकेटर पर होगा। नाउ अब ये जो चीज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें टोटल मार्क्स जो है सर्वे मेथोडोलॉजी में 6000 दिए जाते हैं और उसमें किस किस सेक्शन की, किस किस पार्ट की कितनी वेटेज है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है सिटीजन फीडबैक, इसकी वेटेज है 25%। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस बार क्या रिकॉर्ड बनाया है इस सर्वेक्षण 2020 ने। नाउ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसके लिए 25% मार्क्स दिए गए, मतलब गवर्नमेंट ने पूरा बैलेंस करके रखा है। ऐसा नहीं है कि आप डेटा दे दोगे आपको रैंकिंग मिल जाएगी, नहीं। सिटीजन का फीडबैक, सिटीजन से ही पूछा जाएगा कि भाई आपके क्षेत्र में सफाई हुई कि नहीं हुई, कितनी बार गाड़ी कूड़ा लेने आई है कि नहीं आई है। नाउ उसके बाद ये जो MIS अपलोड करता है अर्बन लोकल बॉडीज, उसमें क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री की वेटेज होती है कुछ, जिसका 25% वेट दिया जाता है, और बाकी जो है 1300 मार्क्स जो है वो सर्विस लेवल प्रोग्रेस जो जनवरी 2020 में शुरू की थी उसके बेसिस पर दिया जाता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया, GFC, ODF और वाटर प्लस के सर्टिफिकेट। देखिए, कुछ सिटीज को इस तरह के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, तो किस सिटीज ने कितने सर्टिफिकेट प्राप्त किए और कौन से लेवल के प्राप्त किए, उनकी स्टार रेटिंग क्या थी, GDF, ODF प्लस प्लस स्टेटस है, ODF प्लस स्टेटस है, उस बेसिस पर, उनके उस सर्टिफिकेशन के बेसिस पर उनको 25% वेटेज दी जाती है। तो देखिए, इन्होंने सर्वे मेथोडोलॉजी में कुछ नहीं छोड़ा, सारी चीजों को कवर किया है, सिटीजन का फीडबैक भी ले लिया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी कर दिया, और क्वार्टरली और मंथली वाइज MIS भी अपलोड करा ली। और देखिए, सिटीज में सफाई है कि नहीं है, इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कुछ सर्टिफिकेशन प्रोसेस शुरू की हुई है, उन सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बेसिस पर भी गवर्नमेंट ने इस स्वच्छ सर्वेक्षण लीक को एग्जीक्यूट किया है। ठीक, नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप याद कर लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको शुरू में बताई कि वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे है ये, इसमें 4242 4 to 4 सिटीज को कवर किया गया है। टोटल टाइम जो लगा है इसमें वो 28 डेज का लगा है। 5 lakhs प्लस ULB डॉक्यूमेंट्स एविडेंस कैप्चर, जो भी मैंने बताया MIS के थ्रू जो ULB भेजता था, तो 5 lakh डॉक्यूमेंट भेजे हैं। 24 lakhs जियोटैक फोटोज कैप्चर्ड फ्रॉम द फील्ड। देखिए, अभी बताया ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में फील्ड विजिट भी हो सकती है, और जियोटैगिंग जो एक गवर्नमेंट एक अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू आप सैटेलाइट से भी उस फील्ड में कितनी सफाई है, और अगर अर्बन लोकल बॉडीज ने जो क्लेम किया है, क्या मैं वाकई में वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको क्लेम कर सकते हैं। तो जियोटैग फोटोज कैप्चर्ड फ्रॉम द फील्ड, ये 20 lakhs। दूसरा, 1.9 करोड़ सभ्य बुद्धिजीवी लोगों ने, सिटीजन्स ने फीडबैक दिया है, उनका फीडबैक भी लिया कि हाँ भाई सफाई हुई है कि नहीं हुई है, मेरे यहाँ कूड़े वाली गाड़ी आई है कि नहीं आई, मेरे यहाँ की नालियां कितनी साफ है। तो सबसे बड़ी चीज, और दूसरा इसका जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ कंप्लीटली डिजिटाइज्ड एंड पेपरलेस सर्वे।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी के घर नहीं जाना है, कागज पर लिखवाना नहीं है, केवल डिजिटाइजेशन के बेसिस पर इस सर्वे को कंडक्ट किया गया है। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद कर लेना। नाउ इसके देखिए कुछ की हाइलाइट्स हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया इट्स अ फिफ्थ एडिशन ऑफ द एनुअल सर्वे, क्लीनलीनेस अर्बन सर्वे। उसके बाद 1.7 करोड़ सिटीजन रजिस्टर्ड ऑन द स्वच्छ ऐप, जहां से आप फीडबैक देते हैं, वो देखिए 1.9 बोल रहा है या 1.7 बोल रहा है, आप 1.9 पर ही जाइए क्योंकि वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर दिया हुआ है। नाउ ओवर 11 करोड़ इंप्रेशन ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर 11 करोड़ लोगों ने इंप्रेशन भी दिया है। फाइव पर, और इसके कुछ हाईलाइट पॉइंट में सबसे बड़ी बात है कि सैनिटरी वर्कर्स के लिए इन्होंने क्या किया है, सोशल वेलफेयर स्कीम में इन्होंने ओवर 5.5 लाख सैनिटरी वर्कर्स को सोशल वेलफेयर स्कीम, ओवर 84,000 इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स को इंटीग्रेट किया है इनटू द मेन स्ट्रीम है। तो कहने का मतलब यह है कि 5.5 लाख सैनिटरी वर्कर्स को लिंक किया है सोशल वेलफेयर स्कीम्स के साथ, और 84,000 जो इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स होता है, जिसको हम रोड पर देखते हैं, कूड़ा बीनते हैं, प्लास्टिक के पीछे बैग लगा के घूमते हैं, उन वेस्ट पिकर्स को भी इन्होंने इंटीग्रेट किया इनटू द मेन स्ट्रीम, यानी उनके लिए भी इन्होंने प्रोविजन रखा है, प्रावधान रखा है कि उनको भी, क्योंकि वो हमारे यहाँ सफाई करते हैं, कूड़ा लेते हैं, प्लास्टिक उठाते हैं, तो उनको भी इन्होंने मेन स्ट्रीम में एड किया है। ओवर 4 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को उन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज के साथ अटैच किया है। ओवर 21,000 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट आइडेंटिफाई एंड ट्रांसफॉर्म। अब देखिए गंगा क्या है, गंगा का एक मुंह है, उस पर इंडस्ट्रीज के वेस्ट कहीं जाते हैं, गार्बेज का वेस्ट जाता है, तो उन्होंने गंगा में जो डायरेक्ट वेस्ट जा रहा है, इस तरह के 21,000 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है और उनको ट्रांसफॉर्म किया है थ्रू जो हमने बताया ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो उसको डायरेक्ट ना गिरा के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उनको रिफर्बिश करके, रिफाइन करके, या फिर उनको छांट कर साफ करके दोबारा पानी में डाला जाएगा। नाउ अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें रैंकिंग कैसे कैसे मिली है। सबसे पहली बात है इस फिगर को तो आप अपनी आंखों में बिल्कुल याद कर लेना। देखिए इंदौर ने फिर से चौथी बार, फोर टाइम इंदौर ने टॉप किया है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर है सूरत, देन इज नवी मुंबई। तो ये जो कैटेगरी है वो नेशनल कैटेगरी में 1 लाख से जिन जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है उसमें इंदौर ने टॉप किया है। ठीक, इंदौर क्रिएट्स अ रिकॉर्ड, इसने एक रिकॉर्ड भी बनाया भाई, अभी तक इंदौर को कोई हरा नहीं पाया है, बाय विनिंग अ टाइटल क्लीनेस्ट सिटी 4 टाइम इन अ रो, सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय द सूरत, नवी मुंबई सिक्योर सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रेस्पेक्टिवली। ओके, याद रखना सूरत इंदौर फर्स्ट, सूरत सेकंड एंड नवी मुंबई इज एट थर्ड पोजीशन। अब कुछ इसकी रैंकिंग की बात करते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आ जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल रैंकिंग की। नेशनल रैंकिंग में हम सिटीज ले रहे हैं जिनकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है 1 से 10 लाख के बीच में। तो इसमें अंबिकापुर छत्तीसगढ़ इज एट टॉप पोजीशन और गया बिहार इज एट द बॉटम पोजीशन। नाउ नेशनल रैंकिंग जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, इसमें मैंने आपको बताया इंदौर इज एट द टॉप पोजीशन क्योंकि इंदौर की जनसंख्या कुछ 19.9 लाख के आसपास है, एंड पटना बिहार एट द बॉटम पोजीशन। देखिए बिहार के दोनों स्टेट हैं, वो दोनों बॉटम पोजीशन पर आए हैं। आप याद कर सकते हैं आई एम नॉट टारगेटिंग एनी स्टेट, बट मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों स्टेट जो है वो बॉटम में आए हैं, और छत्तीसगढ़ और एमपी इन दोनों के जो सिटीज हैं वो टॉप पर आए हैं। नाउ कैंटोनमेंट बोर्ड्स में भी इन्होंने इस सर्वे को अप्लाई किया है, इस सर्वे को यूज किया है, जिसमें जालंधर कैंट पंजाब एट द टॉप पोजीशन और दानापुर कैंट बिहार, यहां पर भी बिहार मात खा गया, इज एट बॉटम पोजीशन। तो मुझे लगता है कि जो बिहार है उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर ये फैसिलिटीज जो है वो कम है, तो ऐसा नहीं कह सकते, बट ये है कि तीनों जगह में बिहार ने बॉटम पोजीशन पे आया है, तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, बिकॉज सफाई और क्लीनलीनेस इज द स्टेट सब्जेक्ट। नाउ स्टेट रैंकिंग, स्टेट रैंकिंग में दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्टेट विथ लेस देन अर्बन लोकल बॉडीज जिनकी 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज हैं और जिसमें 100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज हैं। तो फर्स्ट है झारखंड, सेकंड है छत्तीसगढ़। जिसमें कम है 100 से झारखंड ने टॉप किया है, जिसमें ज्यादा है उन्होंने छत्तीसगढ़ पे टॉप किया है। नाउ देखिए इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है कि गंगा टाउन को भी उन्होंने कैटेगरी वाइज
डिवाइड किया है और जिस गंगा टाउन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उसको भी पोजीशन दी है। सबसे पहले बात करते हैं गंगा टाउन, जहां पर 50,000 से कम पॉपुलेशन है, जिसमें चुनार यूपी इज एट द टॉप पोजीशन और टेहरी उत्तराखंड जो है एक बॉटम पोजीशन पर है। गंगा टाउन जहां 50 से 1 लाख के बीच की पॉपुलेशन है, कन्नौज यूपी ने टॉप किया है और मोका में बिहार ने फिर से बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आया है। गंगा टाउन मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, जिसमें वाराणसी, देखिए सबसे पहले इसको याद कर लेना कि 1 लाख से ज्यादा वाली पॉपुलेशन में वाराणसी ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको पता भी होगा कि मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो डेफिनेटली यहाँ काम ज्यादा होना चाहिए। अच्छी बात है कि वाराणसी ने फिर से टॉप किया है, फिर से नहीं मतलब टॉप किया है, और गाजीपुर जो है एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन। नाउ अर्बन लोकल बॉडीज मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन में फिर से इंदौर ने टॉप पोजीशन मारी है और महाराष्ट्र नासिक जो महाराष्ट्र का एक शहर है वो बॉटम मोस्ट पोजीशन पर रहा है। अब देखते हैं अर्बन लोकल बॉडीज जहां पर जनसंख्या 1 लाख से कम है, तो करद महाराष्ट्र ने टॉप पोजीशन एक्वायर की है और मलकापुर महाराष्ट्र जो है, दोनों ही महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने बॉटम मोस्ट पोजीशन एक्वायर की है, बॉटम मोस्ट पोजीशन पर वो है। अब नेशनल लेवल 45 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाला, उसमें आप एक चीज ध्यान रखना, जिसकी जनसंख्या 40 लाख है उन सिटीज को भी ना रैंकिंग में डिफाइड किया गया है, जिसमें अहमदाबाद गुजरात जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी बताया गया है 40 लाख की कैटेगरी में। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, कैपिटल यूनिटरी में न्यू दिल्ली जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में आया है। देखिए न्यू दिल्ली और दिल्ली दोनों थोड़ा डिफरेंट है बताना, क्योंकि दोनों की एमसीडीज अलग अलग है। तो न्यू दिल्ली जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे आया है अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट कैपिटल और यूनियन टेरिटरी दोनों के अंदर। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप दोस्तों यहां से जरूर लेके जाएं, क्योंकि अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। उस चेंजेस में इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, अ न्यू परफॉर्मेंस कैटेगरी द प्रेरक दौर सम्मान विच हैज टोटल ऑफ 5 एडिशनल सब कैटेगरीज, दिव्या, प्लेटिनम, अनुपम, गोल्ड, उज्ज्वल, सिल्वर, उदित, ब्रॉन्ज एंड आरोही एस्पायरिंग। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 होगा उसमें उन्होंने एक प्रेरक दौर सम्मान को इंट्रोड्यूस किया है और इन कैटेगरीज में ये लोग अवार्ड देंगे। इन एडिशन टू द प्रेजेंट क्राइटेरिया ऑफ इवेल्यूएटिंग द सिटीज ऑन पॉपुलेशन कैटेगरी, दिस न्यू कैटेगरी विल कैटेगराइज सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ 6 लाख इंडिकेटर वाइज परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो ये दो चेंजेस जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये सारा था स्वच्छ सर्वेक्षण की तरफ के लिए मेरी तरफ से दोस्तों। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।